Hello guys, this is Dr. Shyam Mithiya, psychiatrist and sexologist practicing in Mumbai. आज हम बात करने जा रहे हैं premature ejaculation पे. Premature ejaculation यानी कि शीघ्र पतन. तो हम ये देखेंगे कि ये होता क्यों है. पहले तो ये होता क्या है और क्यों होता है और इसका solution क्या है. Premature ejaculation basically आप तब कहेंगे जब penetrative sex मतलब intercourse के वक्त अगर नॉर्मल जो टाइम होता है वो होता है 3 to 5 minutes. तो जब इससे ज़्यादा अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है ये 1 minute 2 minutes या उससे भी कम तो उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं. ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, इट इज़ एक्चुअली वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक. बहुत बार दोनों हस्बैंड वाइफ या जो भी पार्टनर दोनों कंफर्टेबल हैं और अगर 2 minute में भी वो कंफर्टेबल हैं, दे आर सेटिस्फाइड विद दोज 2 minutes, हम उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं कहेंगे. सो इट इज़ वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक. बट आप मेरे को पूछेंगे कि नॉर्मल लेवल क्या है, तो पेनिट्रेटिव सेक्स के वक्त 3 to 5 minutes ऑफ इंटरकोर्स और पेनिट्रेटिव सेक्स इज नॉर्मल लिमिट. अभी आप बोलेंगे कि ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो ट्रीटमेंट में इसके 3 से 4 चीज़ें. एक फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ट्रीटमेंट मोडालिटी इज काउंसलिंग. आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. कंडीशन समझो, प्रॉब्लम समझो, तो उसका सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ पाएंगे. काउंसलिंग. नंबर 2, मेडिकेशन. मेडिकेशन से क्या होता है, एक ये होता है कि आपका इजैकुलेशन डिले हो जाता है. ये मेडिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करते हैं, सेरोटोनिन पे काम करते हैं. सेरोटोनिन पे काम करने के बाद वो इजैकुलेशन डिले करता है, तो इसी वजह से डिले होता है. और भी स्पेसिफिक हैं, डिपॉक्सिटिन नाम का एक ड्रग है जो विच इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर डीलेइंग एजैकुलेशन. तो ये हो गया मेडिकेशन. थर्ड होते हैं कुछ जेल्स आते हैं, लिग्नोकेन नाम का जेल आता है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बेसिकली कम होती है. बेसिकली थोड़ा सा नम हो जाता है, तो थोड़ा सा नम होने की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी कम हो जाती है, अराउजल लेवल लिमिट में आ जाते हैं, इसके वजह से भी एजैकुलेशन डीले हो जाता है. ये 3 हुई फार्माकोलॉजिकल मेथड. अभी हम जाएंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक्सरसाइज मतलब नेचुरल मेथड्स पे. इसमें 2 इम्पॉर्टेंट है, एक है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक और एक है कीगल्स टेक्निक. स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक में बेसिकली मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा ये दोनों भी. जैसे जब भी आप आइदर मास्टरबेशन कर रहे हैं या आइदर सेक्स कर रहे हैं, यू हैव आफ्टर स्ट्रोकिंग फॉर सम टाइम आपको थोड़ी देर के बाद रुकना है, पॉज लेना है, फिर से स्ट्रोक करना है, फिर से रुकना है, फिर से स्ट्रोक करना है. ऐसे ये इनिशियली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डू, बट ग्रेजुअली आप अपने काउंसलर या सेक्सोलॉजिस्ट को मिल के इसके बारे में डिटेल में बात करके आई थिंक ये टेक्निक को आप डिटेल में समझ के डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं. और दूसरा होता है कीगल्स टेक्निक. कीगल्स टेक्निक में बेसिकली जो पेल्विक फ्लोर मसल्स रहते हैं वो स्ट्रेंथन करता है. वो स्ट्रेंथन होने से आपका इरेक्शन ज़्यादा देर तक सस्टेन रहता है और उसको डीले भी करता है इजैकुलेशन को. ये 2 टेक्निक नेचुरल टेक्निक्स हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म परमानेंट आगे जाके दवाई बंद करके भी इजैकुलेशन डीले कर पाते हैं. तो आई थिंक इफ़ यू आर सफरिंग थ्रू एनी ऑफ दीज कंडीशंस या एनी ऑफ सच कंडीशंस, आपको डेफिनेटली आपके नज़दीकी सेक्सोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए. आई थिंक ही विल बी डेफिनेटली एबल टू हेल्प यू. थैंक यू. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें. नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें.